दोस्तों हर सप्ताह और हर महीने नया फोन लॉन्च करता है और आप इस तरह से कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जब भी आप कोई नया फोन खरीदने जाते हैं तो आप गलती कर बैठते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि नया फोन खरीदते समय आप क्या गलती करते हैं और ये वीडियो देखने के बाद आप उन गलतियों को नहीं करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं, इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। तो जब कभी भी देर सवेर आप कोई ना कोई फोन खरीदते ही है नया, तो आप उस गलती को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग कभी भी कॉमेंट्स के अंदर अपना नंबर या ईमेल आईडी को शेयर मत कीजिए। आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, लेकिन आप अपना ईमेल आईडी या वहां पे नंबर मत दीजिए, क्योंकि स्कैमर होते हैं और वो आपको अप्रोच करके आपके पैसे को ठग सकते हैं। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि मैं आपसे कभी भी पैसे के चार्ज नहीं करता हूं कि मैं आपके लोकेशन पता कर दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए, इसलिए कि हमारे चैनल के ऊपर कुछ स्कैमर आते हैं और वह बोलते हैं कि इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, तो आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पे बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट मत कीजिए, इसलिए कि हम आपसे कभी भी पैसे की कोई चार्ज नहीं करते हैं और आपको अपना नंबर हम कभी भी वहाँ पे नहीं देते हैं। और तीसरी बात है कि हमारा चैनल का कोई भी अभी टेलीग्राम चैनल नहीं है, इसलिए हम जब भी हमारा टेलीग्राम चैनल होगा तो हम आपको खुद बता देंगे और लिंक शेयर करेंगे और वहां पे आपसे हम बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे। तो इन सारी बातों को आप जरूर ध्यान रखें ताकि आपका कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सके। अब दोस्तों जो पहला मिस्टेक है, सबसे पहले तो ये मिस्टेक दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो लोग कॉस्टली फोन खरीदते हैं वो बड़ा मिस्टेक है दोस्तों। आपको कभी भी लेटेस्ट वर्जन का, अपडेटेड वर्जन का कभी भी फोन के चक्कर में नहीं आना चाहिए और आपको कभी भी अपने बजट से ज्यादा का फोन नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दिन मार्केट में और हर महीने आपको मार्केट में एक लेटेस्ट फोन कंपनी लॉन्च करती है और वो जो फोन होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड कर दिया जाता है। लेकिन आप जरा सोच करके देखिए कि आप जो भी फोन खरीदते हैं उस फोन का आप पूरे फीचर को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए आप कभी भी अपने बजट के अंदर ही फोन खरीदिए और कभी भी महंगा फोन को मत खरीदिए। जो भी आप महंगा फोन खरीदेंगे फिर कंपनी दूसरी लॉन्च कर देती है और उसमें कुछ नया फीचर्स ऐड हो जाता है, इसलिए आपको अपने बजट के अनुसार ही फोन खरीदना चाहिए, महंगा फोन आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। तो ये मिस्टेक पहला होता है जो लोग कॉस्टली फोन को खरीदते हैं। अब मैं आपको दूसरा मिस्टेक बता दूं दोस्तों कि दूसरा मिस्टेक ये होता है कि दूसरों से आप राय लेते हैं, आप दूसरे से पूछते हैं कि कौन सा फोन खरीदें। दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप फोन किस लिए खरीद रहे हैं और आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपकी आवश्यकता क्या है, उसी के अनुसार आप अगर फोन खरीदेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरे के बताए हुए पे कभी भी फोन मत खरीदिए। आपको अगर कैमरा अच्छा फोन का चाहिए तो कैमरा वाला ही फोन खरीदिए, आपको अगर बैटरी बैकअप वाला अच्छा फोन चाहिए तो उस बैटरी बैकअप देखिए, और दूसरे से कभी भी आप एडवाइस लेकर के कभी भी फोन को मत खरीदिए। आपका अपना आवश्यकता सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका आवश्यकता क्या है, आपकी क्या जरूरत है, उसके अनुसार आपको फोन खरीदना चाहिए। तो मैंने अभी तक आपको दो पॉइंट बताए, एक तो बजट से कभी भी ज्यादा का फोन मत खरीदिए, जो बजट आपका है उसी में खरीदिए, और दूसरा दूसरे से आपको पूछने की कोई जरूरत आपको। और तीसरी मिस्टेक सबसे बड़ी ये मिस्टेक होती है दोस्तों कि आप बिना रिसर्च किए, बिना कोई फोन का कंपैरिजन किए आप किसी भी ब्रांड के ऊपर चले जाते हैं कि ये ब्रांड का फोन है उसी को मैं खरीदूंगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। आपको सबसे पहले प्राइस का भी कंपैरिजन करना चाहिए। बहुत सारे कमर्शियल वेबसाइट हैं, हर वेबसाइट के ऊपर खरीदने से पहले आपको जाकर के चेक करना चाहिए प्राइस कि कौन सी वेबसाइट पे किस प्राइस में मिल रहा है, और फोन को भी आपको कंपैरिजन करना चाहिए, ब्रांड के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसलिए कि मान लीजिए कि अगर आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका जो भी आवश्यकता है
वो कोई छोटा ही ब्रांड अगर आपको वो सारी चीजें कम पैसे में दे रहा है तो आप दूसरे ब्रांड को लेकर के और महंगे फोन लेकर के क्या करेंगे। इसलिए आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि खरीदने से पहले आपको पूरा रिसर्च करना चाहिए कि जो भी फोन मैं खरीद रहा हूँ उसके अंदर क्या है, उसका डिस्प्ले कैसा है, उसका कैमरा कैसा है, उसका प्रोसेसर कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, ये सारी चीजें, कितने एमएच की बैटरी है, ये सारी चीजें देखिए। एक ब्रांडेड फोन का भी देखिए और एक नॉन ब्रांडेड जो कम ब्रांडेड फोन है उनको भी देखिए और देख करके प्राइस में भी कंपैरिजन कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल पे जाकर के वेबसाइट पे आप इस चीज को चेक कीजिए और जहां पे आपको अच्छा लगे जो भी कम प्राइस में आपको अगर मिल रहा है तभी आप खरीदिए। आपको कंपैरिजन तो बिल्कुल करना है, बिना कंपैरिजन किए हुए जस्ट आप किसी भी वेबसाइट पे जाके किसी भी ब्रांड को ऐसे खरीद लेंगे तो आप वहां पे अच्छा फोन नहीं खरीद पाएंगे जब तक कि आप उसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं करेंगे, कुछ रिव्यू नहीं देखेंगे, तब तक आप अच्छा फोन अपने लिए एक नहीं खरीद सकते हैं। तो ये है तीसरा मिस्टेक और इसका सबसे अच्छा आपको यही तरीका है कि आपको पूरा तैयारी, हर चीज, हर जो भी ब्रांड का फोन है उसकी सारी कंपैरिजन कीजिए, उसका कैमरा, बैटरी, स्क्रीन, हर चीज को, डिस्प्ले को, उसके प्रोसेसर को, सारी चीजों को आपको कंपैरिजन करना चाहिए, प्राइस को भी कंपैरिजन करना चाहिए, उसके बाद आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। और चौथा जो मिस्टेक है दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है यहाँ पे कि महंगा फोन ऑनलाइन खरीदना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको जब फोन खरीदना हो, कोई महंगा फोन आपको, जैसे 50,000 का फोन है या 1-1.5 लाख रुपए के फोन खरीद रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन कभी भी इस तरह का फोन को नहीं खरीदना चाहिए। आपको भी पता होगा कि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट आता है उसमें बहुत बार ऐसा पाया गया है कि उसके अंदर कुछ और डाल करके या क्लोनिंग फोन, अच्छा फोन जो नहीं होता है, उसका ओरिजिनल फोन नहीं होता, उसको डाल करके आपको चिपका दिया जाता है। इसलिए आप कभी भी जब महंगा फोन खरीदिए तो आप ऑफलाइन खरीदिए, आप जाइए वहाँ स्टोर के ऊपर जा करके आप बिल्कुल वहाँ पे चेक करके हर तरह से उसके बाद ही खरीदिए। नहीं तो आपके पास जब फोन आ जाता है कोई क्लोनिंग का फोन, और महंगा फोन में जनरली ऐसा किया जाता है कि क्लोनिंग फोन या आपको जो खराब फोन होता है या कभी कभी बिना फोन के ही चिपका दिया जाता है, तो आप ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है। जब आप महंगा फोन खरीद रहे हैं तो आपको स्टोर पे जाना है और स्टोर पे जा करके सारी चीजों को चेक करके ही खरीदना चाहिए। और कभी भी आप अगर ऑनलाइन फोन खरीदते हैं तो उसका जो भी पैकेट आए तो आने के बाद से उसको कोरियर वाले के सामने आपको वीडियोग्राफी करके और उस पैकेट को खोलना चाहिए ताकि आपके पास एक प्रूफ हो जाए कि आपने इस डब्बे के अंदर जो खोला है तो इसके अंदर क्या है, वो कोरियर वाले के प्रेजेंस में ही। तो इसलिए कभी भी महंगा फोन खरीदिए तो इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखिए। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बता देता हूँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब कभी भी फोन खरीदें तो फोन का जो मेन चीज होता है दोस्तों वो प्रोसेसर होता है। आपको सबसे तगड़ा जो भी प्रोसेसर है, जो भी फोन खरीदिए उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जरूर देखिए, और प्रोसेसर ही उसके फोन का पूरा समझिए कि ब्रेन होता है। जिस तरह आपके बॉडी का जो ब्रेन होता है वही पूरा कंट्रोल करता है आपके बॉडी को, उसी तरह से अगर प्रोसेसर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी चीजों को, अच्छा कैमरा, अच्छा फोटो निकालेगा, अच्छी बैटरी बैकअप भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल के ऊपर आपको सही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।